कि जब मैंने राम मंदिर में कदम रखा तो वाकई ही मानो कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार अलग अलग जगह बिहार, सिवान और उसी के साथ आज जब मैं अयोध्या आया तो यहाँ पर भी पैदल चला। क्यों? हकीकत मानिए, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं थी कि मैं उस मंदिर तक जाऊँ और दर्शन करके आऊँ, लेकिन फिर भी मैं उस मंदिर में गया। और मंदिर में जाने के बाद जब मैं वापस रूम पर आया तब वास्तव में मेरा शरीर जो है इस प्रकार से फुर्तीला हो गया कि रात के करीब 2 बज चुके हैं और मैं लता मंगेशकर चौराहे पर खड़ा होकर ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, तमाम जानकारियाँ जो है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। मैं भरत जांगिड़ आज खड़ा हूँ अयोध्या की पावन धरती पर। बता दूँ कि ये 500 वर्ष लंबा संघर्ष जो है वो हमने किया और 24 जनवरी 2024 का वो दिन आया जिस दिन राम भगवान की मूर्तियाँ जो है वो यहाँ वापस विराजमान हुई। बता दूँ कि उस समय आज से 500 वर्ष पूर्व बाबर नाम के किसी व्यक्ति की यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उसके बाद से ही लगातार राम भक्त जो है वो इसी बात को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने के लिए कई प्रयास किए गए। 500 वर्ष तक ये मामला जो है कोर्ट कचहरी में चला और आखिरकार वो दिन आया जब यहाँ पर राम लला का मंदिर बनने की घोषणा हो गई और आखिरकार 24 जनवरी के दिन यहाँ पर राम लला जो है वो विराजमान हुए। जब से राम लला विराजमान हुए उसी दिन से देश के कोने कोने से यहाँ पर लाखों भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं, राम लला के उस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उसी के साथ बता दूं कि अयोध्या नगरी को इस प्रकार से सजाया गया है। बता दूं कि 14 साल का वनवास काटकर जब राम भगवान वापस अयोध्या लौटे थे उस समय किस प्रकार से दीपों से सजाया गया था, और अब 500 वर्ष बाद जब राम मंदिर बन चुका है और यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त जो है वो आ रहे हैं, अयोध्या आज भी उसी तरह सजाया गया है, उसी तरह उस 24 जनवरी के दिन पर्व मनाया गया था। हर घर पर भगवा पताका जो है वो फहराया गया था, हर जगह जो है जुलूस जो है वो निकाले गए थे, शोभा यात्राएं निकाली गई थी, झांकियां जो है वो निकाली गई थी। और आज उसी धरती पर मैं खड़ा हूँ और बता दूँ कि जब मैंने राम मंदिर में कदम रखा तो वाकई ही मानो कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार अलग अलग जगह बिहार, सिवान और उसी के साथ आज जब मैं अयोध्या आया तो यहाँ पर भी पैदल चला, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है वो गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, टेम्पो टैक्सी जो है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पैदल घूमा। हकीकत मानिए, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं थी कि मैं उस मंदिर तक जाऊँ और दर्शन करके आऊँ, लेकिन फिर भी मैं उस मंदिर में गया। और मंदिर में जाने के बाद जब मैं वापस रूम पर आया तब वास्तव में मेरा शरीर जो है इस प्रकार से फुर्तीला हो गया कि रात के करीब 2 बज चुके हैं और मैं लता मंगेशकर चौराहे पर खड़ा होकर ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, तमाम जानकारियाँ जो है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और जानकारी भी क्या साझा कर रहा हूँ, यही कि 500 वर्ष तक हमने लंबा संघर्ष देखा, हमारे पूर्वजों ने लंबा संघर्ष देखा और आखिरकार वो फैसला आया, आखिरकार वो अयोध्या नगरी वापस सज गई, आखिरकार यहाँ पर राम लला जो है वो विराजमान हो गए। बता दूँ कि यहाँ पर राम मंदिर जो बना है उसमें लाखों लोग प्रतिदिन जो है यहाँ पर दर्शन करते हैं, राम लला की उस मूर्ति को जो है वो निहारते हैं, उसके दर्शन करते हैं। हालांकि अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की तस्वीरें तो दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि यहां से किसी से वीडियो मिल गया अंदर का तो वो वीडियो भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन ये जो आस पास में जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है किस प्रकार से अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या नगरी की पर गली, हर मोहल्ला, हर चौक चौराहा जो है वो इससे भी बेहतर तरीके से सजा हुआ है। आगे की तस्वीरें जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर एक वीणा रखा हुआ है और वो बहुत ही बड़ा चौराया है जिसे लता मंगेशकर चौराया कहा जाता है।